साई राम चल रहे हैं। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। ये तो बारिश हो रही है, मालूम है सबको? बारिश देखने में अच्छा लगता है ना सबको? मजा आता है। और बारिश में बाहर नहीं निकलना है ना? अभी हैंड ज्वाइन करेंगे हम, ओंकार करेंगे फिर टाइम। देखो, जब भी हम बाहर जाएंगे तो हम मास्क लगा के जाएंगे, है ना? बिना मास्क के हम बाहर नहीं जाएंगे। सबको पता है ना, कोरोना आ रहा है, वायरस फैल रहा है ना, तो हम मास्क लगा के ही बाहर निकलेंगे, है ना? नहीं तो हम इन्फेक्शन हो जाता है, मालूम है ना सबको? हाँ, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, आप लोग स्टोरी सुनते क्या घर में मम्मी के साथ? मम्मी स्टोरी सुनाती है आपको? जब आप सुनते हो तो मम्मी आपको स्टोरी सुनाती है? आप सुनते हो? आपको अच्छी लगती है ना स्टोरी सुनना? सबको अच्छी लगती है, क्या बात है। तो रोज सुनते हैं आप स्टोरी, और आप सुनाते हो क्या मम्मी को? आप भी सुनाते हो? वेरी गुड, मुझे मालूम है आपको स्टोरी सुनना भी अच्छा लगता है और सुनाना भी अच्छा लगता है ना? तो लिसन स्टोरी आप लोग सुनना चाहोगे? स्टोरी वाली स्टोरी आपको पिक्चर्स के साथ आपको स्टोरी सुनाएंगे। ओके यस। एक बहुत बड़ा जंगल। क्या था? बहुत बड़ा जंगल, ठीक है। और जंगल में कौन रहता है बताओ? आप लोग कौन रहता है जंगल में? जंगल में एनिमल्स रहते हैं। एनिमल्स भी और हिंदी में जानवर बोलते हैं। कौन रहते हैं जंगल में? जानवर रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं। छोटे से भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं। कौन कौन से जानवर रहते हैं? जैसे खरगोश, खरगोश को हम रैबिट भी बोलते हैं, है ना? मंकी, मंकी को हम बंदर भी बोलते हैं। और डियर, डियर को क्या बोलते हैं? हिरण। और बियर, बियर को भी हम भालू बोलते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट को हम हाथी बोलते हैं, है ना? और डोंकी भी था, और जिराफ भी होता है जंगल में, और शेर भी है। शेर कौन होता है जंगल का? राजा, है ना? और बर्ड्स थे बहुत सारे, है ना? तो ये सब जंगल में रहते थे। और शेर की तो बहुत बड़ी गुफा भी थी। अब क्या होता है, सारे जानवर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब फ्रेंड के साथ। और वहाँ पे जंगल में तो बहुत सारे ट्रीज भी होते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ था, कोकोनट का ट्री था। अब जो रैबिट था ना, तो वो घूम रहा था, और घूमते घूमते वो थोड़ा सा थक जाता है, उसको भूख भी लगने लगती है। और वो सोचता है कि चलो थोड़ी देर हम इस ट्री के नीचे आराम करते हैं और थोड़ा कुछ खाते भी हैं। तो जो रैबिट है, आपको दिख रहा है ना, तो रैबिट था ना, वो ट्री के नीचे बैठ जाता है, और वो क्या खाने लगता है? यहाँ दिख रही है ना आपको कैरेट, गाजर। और वो गाजर खाने लगता है, कि रैबिट को गाजर तो बहुत पसंद है ना? सबको पता है ना, ग्रास भी खाता है ना रैबिट। और वो खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करने लगता है, और रेस्ट करने के बाद फिर वो कुछ सोचता भी है। अब वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं आसमान गिर गया तो मेरा क्या होगा, हम सब जानवरों का क्या होगा, हम सब दोस्तों का क्या होगा? ऐसे करके वो सोचने लगता है, और सोचते सोचते क्या हो जाता, वो सो जाता है। क्या हो जाता है? सो जाता है
अब सोने के बाद गहरी नींद सो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद उसको एकदम धड़ाम की आवाज आई। जैसी धड़ाम की आवाज आई और खरगोश था ना, वो सो तो एकदम जाके और वो एकदम चौंक जाता है। और वो चौंक के उसको आवाज आई धड़ाम की, और उसने कुछ नहीं सो देखा और वो क्या करने लगा, भागने लगा, बहुत जोर जोर से भागने लगा। भागते भागते बहुत दूर तक वो भागता रहा और वो चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, बचाओ, सब बचो सब बचो, भागो भागो, ऐसे कर करके वो भागने लगता है। अब वहां भागते हुए वहां पे फोन आ जाता है। भागते भागते वहां पे हिरण देखता है कि खरगोश भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। अब जो डियर था ना हिरण, वो खरगोश से पूछता है, अरे खरगोश भाई, खरगोश भाई, तुम क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ। अब खरगोश तो डरा हुआ था। खरगोश ने, अरे तुम भी भागो हिरण भाई, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, भागो तुम भी भागो। और ऐसे करके क्या होता, हिरण भी खरगोश के पीछे भागने लगता है। अब क्या होता है, आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे हिरण भागने लगता है। अब देखता है तो वहां पे कौन मिलता है, बियर भी आ जाता है, भालू दादा। अब भालू दादा ने देखा कि खरगोश और हिरण ये दोनों क्यों भाग रहे हैं, इतनी जोर जोर से भागे जा रहे हैं। अब जो भालू दादा थे ना, उन्होंने जोर से आवाज लगाई हिरण को, अरे भाई हिरण भाई, हिरण भाई, तो क्यों भाग रहे इतनी जोर जोर से, दोनों लोग क्यों भाग रहे हो। तो हिरण ने बोला, अरे भालू दादा तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, बचाओ अपने आप को, भागो यहाँ से, भागो आप भी। और क्या होता है, डियर जो था ना भालू दादा भी किसके पीछे भागने लगते हैं, हिरण के पीछे। और ऐसे करके आगे खरगोश भागता है और पीछे उसके पीछे था हिरण, और हिरण के पीछे डियर भी भागने लगते हैं भालू दादा। अब क्या होता है, भालू दादा देखा हाथी दादा ने कि सब क्यों भाग रहे हैं जंगल में, क्या हुआ ऐसा, ये भागे जा रहे हैं। अब हाथी दादा ने उसको भालू दादा से पूछा, अरे भालू दादा तुम क्यों भाग रहे हो, सब क्या हो गया जंगल में ऐसा, आप सब भागे जा रहे हो। भालू दादा ने बोला, अरे हाथा तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, तुम अपनी जान बचाओ। और ऐसे करके हाथी दादा भी क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। अब वहां पे कौन आ जाती है, फॉक्स देखती है कि सारे जानवर भाग रहे हैं, हाथी दादा भी दिख रहे हैं इसमें, भालू भी है, हिरन भी है और खरगोश भी आगे आगे है। तो जो फॉक्स थी वो तो हाथी दादा के पास आती है और वो देखती है और पूछती है, अरे भाई हाथी दादा तुम क्यों भाग रहे हो सब एक साथ, क्या हो गया है जंगल में। हाथी दादा ने बोला, अरे लोमड़ी बहन तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, कि क्या हुआ ऐसा, अरे देखो ना आसमान गिर रहा है, जल्दी भागो तुम भी लोमड़ी बहन, भागो। ऐसे करके लोमड़ी भी किसके पीछे भागने लगती है, हाथी दादा के पीछे भागने लगती है। ऐसे करके सब भागते भागते वहां कहां पहुंच जाते हैं, जहां पर जंगल में शेर की बहुत बड़ी गुफा थी। वहां पे सब भागते हुए देखते हैं, अब शेर जो था ना वो तो अपनी गुफा में आराम कर रहा था। और उसने जब वो सो रहा था तो उस एकदम उसकी आवाज को आवाज सुनाई थी जानवर की, कि सब हल्ला क्यों कर रहे हैं, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया जंगल में ऐसा। और जो शेर महाराज थे तो उनकी नींद खुल गई और वो गुफा के बाहर आते देखा तो सारे जानवर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बहुत जोर जोर से। क्या किया, एकदम आवाज लगाई, अरे तुम सब क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया इस जंगल में। सारे जो जानवर थे ना तो वो सब खड़े हो गए चीर के पास, सब खड़े हो गए, शेर क्या जाए, शेर क्यों जंगल के रहते हैं, खड़े हो गए। शेर महाराज ने बोला, क्या हो गया आप सब क्यों भाग रहे हो। तो वहां पे और सभी जानवर थे, तो वहां पे पहले तो हिरण था, हिरण ने बोला, अरे
अरे महाराज आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो अपनी जान बचाने के लिए। तो शेर ने बोला, जंगल में आसमान गिर रहा है, ये तुम्हें किसने बोल दिया? हिरण ने बोला, मुझे तो था जंगल में है भी भाग। दादा ने महाराज शेर ने बोला, भालू दादा से तुम्हें किसने बोला? आसमान ने बोला, हमें तो लोमड़ी बहन ने बोला। तो लोमड़ी बहन ने बोला, शेर ने बोला, नहीं बताया हमें तो, ये खरगोश बताया क्या आसमान गिर रहा है। तो शेर को गुस्सा भी आ रहा था, शेर बोला कि आसमान गिर रहा है, ये खरगोश ने बताया, तो ऐसा करते हैं हम, करते हैं कहाँ गिर रहा है आसमान। और शेर के दो चप्पल सब मेरे नीचे गिर गए। तो पहले सबसे में कौन था? शेर को दिख रहे हैं ना सर, बीच को दिख रहे हैं, मंकी भी था और फॉक्स भी थी, डियर भी था, हाथी दादा भी थे और सांप भी था और हिरण भी थे, ऐसे ही सब, और बर्ड्स भी उड़ रहे थे उनके साथ साथ। और आगे आगे कौन था? शेर महाराज। और पीछे पीछे कौन थे? सारे जान थे। शेर पीछे पीछे सब डरते डरते चल जा रहे थे, पर वो बहुत दूर था, थोड़ा सा वहां जाते। दूसरा शेर महाराज ने बोला, कहाँ पे आ गए धड़ाम की? तो पूछा, हुआ था खड़ा हो गया, बोला महाराज यहीं पे गिरा तब आ जाए धड़ाम की एकदम। शेर ने देखा इधर, शेर को सारा मामला समझ में आ गया। ने देखा कि यहाँ पे तो नारियल का पेड़ है और इसमें तो ये फल लगे हुए हैं, तो ये फल ऊपर से नीचे गिरा धड़ाम से। और खरगोश ने, वो मनी मन सोचने लगा, खरगोश सोचा कि आसमान गिर रहा है। शेर ने गुस्से में बोला, क्या खरगोश आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको आसमान दिखाई दे रहा है क्या गिरता हुआ? यहाँ पे तो ये फल गिरा हुआ दिख रहा है, किसी आवाज आओगी? और तुमने ना समझ के देखा कुछ भी नहीं, और तुमने भागना शुरू कर दिया, और तुमने सब जानवरों को भी दिया, सब जान बुद्धू बन गए और आपके पीछे पीछे सब भागने लगे। तो हमें बिना सोच समझ के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, और ना हमें ऐसे भागना चाहिए, कुछ भी देखना तो चाहिए कि क्या हुआ है। अब तो कैसे, खरगोश था बेचारा खड़ा हो जाके, और वो तो सॉरी महाराज आगे से ध्यान रखूंगे, जब कुछ होगा तो पहले मुझे माफ कर दो, ऐसे करके वो खरगोश बेचारा चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो सभी जानवर फिर शांत हो जाते, क्योंकि सब डर गए थे कि ऐसे करके बोल रहा था। आई समझ में आप लोगों को स्टोरी है? तो हमें बिना सोच समझ के कोई काम नहीं करना चाहिए, और ना हमें डरना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी? सबको अच्छी लगी? वेरी गुड। आपको एक कोई भी पोइम सुनना चाहोगे आप लोग? यस। पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पत्ते हो जिसके बिस्किट जैसे, पत्ते हो जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा, पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा। ऐसे बोलते हैं, पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पत्ती हो जिसके जैसी, पत्ती
हो इस बिस्किट जैसा, फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा, पेड़ लगाओ ऐसा, झिलमिल तारों जैसा। कैसी लगी पोइम आप लोगों को? अच्छी लगी सबको? आप लोग भी घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सुनाएंगे भी, आपके पास बुक भी है ना? अभी हम शांति पाठ करेंगे, है ना? जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, ओम। शांति शांति शांति। थैंक यू, साई राम।